जिस औरत में ये निशानियां हों वो कभी बेवफा नहीं हो सकती इन निशानियों का तस्करा हजरत अली रजी अल्लाह रजियाल की शिकायत तो मुलाजा फरमाइए कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह के पास एक शख्स आया और आप रजी अल्लाह से सवाल किया कि नेक औरत की पहचान क्या है तो हजरत अली रजी अल्लाह रजियाला ने फरमाया याद रखो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ऐसी औरत जिसका शौहर उस पर गुस्सा करे और उस पर नाराज हो तो यह औरत उसका हाथ पकड़ कर कहे मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी और यूं अपने शोहर को राजी करे और अपने घर की बुराइयों को किसी और के सामने बयान ना करे और अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करे कि जमाना उस पर रश करे याद रखो जिस औरत में ये निशानियां हो तो ऐसी औरत दुनिया की नेक औरत है ये औरत कभी बेवफा नहीं हो सकती और ऐसी औरत आखरत में भी सुरखुरू होगी और उस औरत के बारे में अल्लाह ताला कयामत में फरमाएगा कि ये औरत जन्नती औरत है इस रिवायत के मुताबिक नेक और औरत की जो सबसे बड़ी निशानी है वो है शोहर की फर्मा बरदारी याद रहे कि औरत के लिए अल्लाह ताला ने उसके शोहर का बड़ा मकाम रखा है और यहाँ तक के फरमाया कि औरत के लिए अल्लाह की रजा उसकी शोहर की रजा में है और औरत को इतम भी की गई है कि उसकी जन्नत और जहन्नुम का दारोमदार उसके शोहर की अतात तो और फर्मा बरदारी में है इसीलिए शौहर की फरमाबरदारी को नेक औरत की पहचान कहा गया है और साथ